पांच लोगों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया और ऐसी गैस डाली गई कि 30 दिन तक वो लोग सो ना पाए। लेकिन 11 दिन में ही वो लोग राक्षस बन गए और अपना ही मांस खाने लगे। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसको रशिया में किया गया था और इसको जाना जाता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी और इससे जुड़े हुए सच। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पूरा जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। रूस में सन 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ डील हुई थी कि उनको एक रिसर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा और इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुनने में एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता था। कैदियों ने सोचा केवल 30 दिन हमको सोना नहीं है और उसके बाद हमको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। काफी अच्छा ऑफर था, इसीलिए उन सारे कैदियों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन 5 कैदियों को एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया गया और चेंबर में भर दी गई एक गैस। ये एक ऐसी गैस थी जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती थी और साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान लगातार 30 दिन तक ना सोए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा क्योंकि कैदी आपस में बात कर रहे थे, उनको लगातार खाना पानी हर चीज मुहैया कराई जा रही थी। चूंकि उस जमाने में कैमरे नहीं हुआ करते थे, इसलिए साइंटिस्ट उन कैदियों पर नजर रखने के लिए वन वे ग्लास का यूज करते थे। इसको वन साइडेड ग्लास भी कहा जाता है। ये केवल एक ही साइड से ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब अंदर जो कैदी बंद थे उन्हें बाहर हो रही कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन बाहर जो साइंटिस्ट बैठे हुए थे वो सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस कमरे में केवल वही गैस थी जिसकी वजह से कैदियों को नींद ना आए। साइंटिस्ट ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि उस कमरे में ऑक्सीजन लेवल इतना हो ताकि वो लोग 30 दिन तक कंफर्टेबली जिंदा रह सकें। सुनने में तो एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता है, केवल 30 दिन तक आपको एक कमरे में रहना है जैसे कि बिग बॉस का घर, लेकिन आपको सोना नहीं है। आपको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, आपकी हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। उस चेंबर में उनके पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स और मैगजीन भी रखी गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। एक हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे अकेले बैठे बैठे अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। 11वें दिन अचानक इनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे तक चेंबर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेजी से चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड तक फटने वाली थी। साइंटिस्ट इस घटना को देख ही रहे थे कि अचानक उस कमरे में सन्नाटा छा गया। जब साइंटिस्ट ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि उस चीखने वाले इंसान की वोकल कॉर्ड फट चुकी थी। वो अब बोलने के लायक नहीं रहा था और आश्चर्य की बात यह है कि बाकी कैदियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। 15वें दिन तक हालात और ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि बाकी के बचे हुए कैदियों ने जो किताबें उन्हें प्रोवाइड कराई गई थी उनके पन्ने फाड़कर उन्हें कमरे में जो मलमूत्र पड़ा हुआ था उसका यूज करके कांच पर चिपका दिया ताकि साइंटिस्ट बाहर से अंदर हो रही किसी भी गतिविधि को ना देख पाए। इसके कुछ दिन बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए। उन्होंने कमरे में छोड़ी जाने वाली गैस को बंद कर दिया और उस चेंबर में अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर साइंटिस्ट ने जो देखा वो देखकर वो लोग हैरान रह गए। चेंबर में चारों तरफ फर्श पर खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और ये मांस उन्हीं कैदियों का था। वे एक दूसरे को नहीं खा रहे थे बल्कि वो चुपचाप बैठे बैठे अपने ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर चुके थे। उन्हें जो खाना दिया जाता था उन्होंने वो खाना खाना बंद कर दिया था। उनकी हड्डियां निकल आई थी और उनकी मरने जैसी हालत हो गई थी। साइंटिस्ट ने यह फैसला लिया कि उन सारे कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। अगर वो ठीक हो जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं, तो उसके बाद फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब उस चेंबर की गैस बंद की गई तो कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें बाहर मत निकालो, हम आजाद नहीं होना चाहते। देखने में यह नजारा काफी डरावना था क्योंकि वो सारे कैदी पिशाचों की तरह दिखने लगे थे। साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इन घायल कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया और जिस मोरफिन के इंजेक्शन से एक आदमी बेहोश हो सकता है, ऐसे 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो कैदी बेहोश नहीं हो रहे थे। वो वापस चेंबर में जाना चाह रहे थे। कुछ कैदी इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि उन
उनका ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई थी। और जब वो डॉक्टर उन कैदियों को ऑपरेशन कर रहे थे तब वो कैदी बेहोश नहीं थे, क्योंकि बेहोशी के इंजेक्शन का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ था और वो ऑपरेशन के दौरान दर्द से हंस रहे थे। उनकी हंसी को देखकर डॉक्टर्स के भी हाथ कांप रहे थे। इस पूरी घटना के दौरान ऑपरेशन में कुछ कैदियों की मौत हो गई और बाकी जो कैदी बचकर ठीक हो गए उनको वापस उसी चेंबर में डाल दिया गया, क्योंकि वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें वापस उस चेंबर में जाना है। कैदियों को जब वापस चेंबर में डाला गया तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दी। वो फिर से अपना मांस खाने लगे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। कैदियों की इन हरकतों से घबराए हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें मार दिया जाना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को ये बात जानने के लिए नहीं किया जा रहा था कि इंसान अगर 30 दिन तक ना सोए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, जबकि ऐसा माना जाता है कि ये जो गैस उस चेंबर में डाली गई थी उस गैस का कुछ और ही असर इंसानों पर होता है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के एक तानाशाह के अंडर में किया जा रहा था। उसने साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से साफ मना कर दिया। एक्सपेरिमेंट को बंद करके उन कैदियों को मार देने वाली बात से उस तानाशाह ने ये डिसाइड किया कि कुछ साइंटिस्ट को उन कैदियों की जगह उस चेंबर में भेज देना चाहिए, ताकि उस चेंबर में रहकर वो उन कैदियों के बिहेवियर के बारे में ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकें। इस बात से घबरा कर एक साइंटिस्ट ने ऑर्डर देने वाले कमांडर को गोली मार दी। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने चेंबर के अंदर जाकर सारे कैदियों को मार डाला। उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट समझ चुके थे कि अगर बाकी सैनिकों को इस बारे में पता चल गया कि उन्होंने कमांडर को गोली मार दी है और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है तो उनका बचना भी नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने उस लैब में खुद को भी गोली मार ली। तो ये थी रशियन एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सभी लोग उस लैब में मर चुके थे तो इस कहानी के बारे में आखिर लोगों को पता कैसे चला। क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट है जहां पर यह कहानी सबसे पहले ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने पब्लिश की थी। ऑरेंज सोडा नाम का यह यूजर असलियत में कौन था इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। ये कहानी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि इसी आर्टिकल के बेस पर कुछ डिजाइनर्स ने ऐसे फोटोज तैयार किए, ऐसे डिजिटल आर्ट्स तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगते थे। ये सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। हालांकि जापान, चीन ऐसे कई देश हैं जो इंसानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिनमें से कई एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं, और ये बात हर देश की मीडिया अच्छे से जानती है और यही कारण है कि शायद इस कहानी को सच मान लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पुख्ता सबूत इंटरनेट पर नहीं डाले गए हैं जिससे ये बात प्रूफ हो पाए कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी हुआ भी था। होली आइस नाम के एक ऑथर ने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम का एक हॉरर नॉवेल भी पब्लिश किया था। उन्होंने क्लेम किया था कि इस नॉवेल में जो भी बातें बताई गई हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। उनका ऐसा मानना था कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत अपने कैदियों के साथ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, और चूंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इलीगल थे इसलिए उनके सारे सबूत भी मिटा दिए जाते थे, और शायद यही कारण है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि उस चेंबर में जो गैस डाली गई थी उसका मेन टारगेट था इंसान को इवॉल्व करना। साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस बनाई थी जिसके असर से इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता था। वो बिना सोए बिना खाए कई दिनों तक रह सकता था, उसका व्यवहार काफी आक्रामक हो जाता और वो एक खूंखार सैनिक बन जाता। इस गैस का असर काफी हद तक इंसान को ज़ॉम्बी बना देता है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो उन साइंटिस्ट के द्वारा ऐसे सैनिक बना दिए जाते जो बिना सोए बिना खाए बिना किसी दर्द और तकलीफ के काफी लंबे समय तक लड़ाई कर सकते। मतलब रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ज़ॉम्बी जैसे सोल्जर्स की एक आर्मी बनाने का एक्सपेरिमेंट था। हालांकि जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसके सारे सबूतों को मिटा दिया गया। किसी भी देश की गवर्नमेंट द्वारा लोगों तक वही जानकारी पहुंचाई जाती है, उन्हीं आविष्कारों और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है जो लीगल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और सीक्रेट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट आम जनता से छुपा कर रखती है। शायद ऐसा ही एक राज था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जो आज तक लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके दिमाग में नेक्स्ट वीडियो को लेकर कोई टॉपिक है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग 2,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, काफी नजदीक हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो पाप लगेगा तुमको, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।